अगस्त है, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी झंडा फहराया होगा और तुम ढेर सारी मिठाइयाँ खाई होगी। लेकिन कुछ वक्त ऐसा है इस पल का कि जैसे कि कोरोना काल है तो जैसे कुछ लोग बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही होगी, लेकिन आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मुँह मीठा जरूर किया होगा और मुँह झंडा फहराने के बाद, मुँह मीठा करने के बाद अब शांति से मेरा ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है जैसे कि एक होम्योपैथ मेडिसिन और बहुत ही छोटी सी है और बार बार ज़्यादा यूज इस्तेमाल भी नहीं होती है, लेकिन इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि कुछ मिथ्याएं हैं कि होम्योपैथ दवाइयाँ कोई फास्ट काम नहीं करती हैं, लेकिन मैं मतलब कह रही हूँ कि जैसे कि ये नाम की दवा जो है ये हमारी जो है इमरजेंसी किट में आती है और इसे आप ध्यान से देखिए तो ये नाम है जो है एमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट ज़्यादातर ये मतलब ट्रैचुरेशन फॉर्म में इस्तेमाल होती है या मदर टिंचर में नाम इस्तेमाल होती है और जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये केमिकल सब्सटेंस से बनती है और इसका फॉर्मूला मैं जो कि बोर्ड पे लगा दूंगी और इसका फॉर्मूला है C5H11ON। ये जो नाम की दवा जो है जैसे फूड फॉर्म में इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी जो है वाइजोडायलेटर। अब वाइजोडायलेटर क्या होता है? तो वाइजोडायलेटर ये होता है कि मतलब ये सडनली जो है हमारे मतलब आर्टरियोल्स पे काम करती है और उसके बाद उसको डायलेट करती है और ऑक्सीजन सप्लाई में मेंटेन करती है तो इसको वाइजोडायलेटर कहा जाता है। तो इस तरह से मतलब ये हमारी होम्योपैथ दवाई जो है वाइजोडायलेटर के हिसाब से काम करती है। जैसा कि एलोपैथ में एक दवा जो है सॉर्बिटेट नाम की आती है जो कि हार्ट अटैक पेशेंट को दी जाती है जब बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है और उस समय उस दवा को जो है जीभ के नीचे रखने के लिए दी जाती है ताकि वो सडनली जो है वो पेन जो है सबसाइड हो जाता है। तो उसी तरह से ये होम्योपैथ दवा जो है ये भी इमरजेंसी के तौर पर काम करती है। तो खास करके हम इसको कहेंगे कि ये मतलब एंजाइना पेक्टोरिस में भी काम करती है और कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जैसे कि एपिलेप्टिक कन्वर्जन तो उसमें भी काम करती है। तो एज अ वाइजोडायलेटर ये जो होम्योपैथ मेडिसिन है अवर एप्लीकेशन हाउएवर इज दोस ट्रबल्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंडिकेशन प्रीकॉर्डियल एंजाइटी कार्डियक ऑपरेशन स्टिचिंग पेन्स एंड फीलिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन इन द कार्डियक रीजन ग्रेट dilatation of carotids with flutting of the heart added slightest excitement tremulous of the hands and stiffness and numbness of fingers and profound and repeated nodding। तो ये वाली जो medicines है इसको since 19th century में इसको angina pectoris के हिसाब से इसको की मतलब use की गई थी और इसको जो है TF-LN ने पब्लिश की है 1874 और ही हैज प्रूव्ड द फूड सब्सटेंस दैट इज टूवर्ड्स इनहेल्ड द वेफर्स। अब जो इस मेडिसिन के ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं कि जब ये कैसे मतलब इसको यूज की जाती है तो अगर कोई ओपीडी में अगर पेशेंट अगर चेस्ट पेन की शिकायत लेके आ रहा है और सडनली उसको मतलब कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस है या एपिलेप्टिक कन्वर्जन के टाइप में आ रहा है तो इसको हैंकर चिप में इसकी मदर टिंचर की कुछ बूंदें जो है उस पर रखी जाती है और उसके नाक की तरफ ले जाते हैं और 2 से 3 मिनट तक उसको सुंघाई जाती है। उसको सुंघाने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट के बाद पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर होता है। तो ये ट्रीटमेंट जो है ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। बाकी इसके कुछ अनोखे सिम्टम्स हैं जैसे कि ये होम्योपैथ मेडिसिन जो क्लाइमेटिक पीरियड पे बहुत ज़्यादा असर करती है जैसे मेनोपॉजल जो वुमन्स होती है और उस समय उसको इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब पसीना हो रहा है, बहुत फ्लसिस ऑफ हेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब पर्सपिरेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तो उस समय ये मेनोपॉजल सिम्टम्स जो आते हैं उस समय भी ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। और दूसरी जो है सर दर्द में इसकी बहुत ज़्यादा है और इसमें जो सर दर्द की शिकायत में इसको थोड़ा सा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लसिस ऑफ द हीट हो जाता है और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है
तो इस तरह की कंडीशन में हेड सिम्टम्स में इसको दिया जाता है। तो ये वाली जो दवा है बहुत ज़्यादा मतलब होम्योपैथ प्रिस्क्रिप्शन में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जिसका इस्तेमाल बहुत अधिकतर होता है। इसी के समकक्ष अगर मेनोपॉजल पीरियड में हम कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट होना, पाल्पिटेशन हो जाना, इस तरह की कंडीशन में अगर कोई वुमन आती है ओपीडी में, तो हमारे फर्स्ट माइंड में यही दवा नहाती है कि एमाइन नाइट्रेट मदर टिंचर दी जाती है या इसका ट्रांसलेशन फॉर्म लिया जाता है। तो ये सब जानकारी जो है वो बहुत छोटी सी रेमेडी होने के बाद जरूरी है जानकारी रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा इमरजेंसी केस में इसको दी जाती है। और इसी के समकक्ष एक और भी दवाई आती है जो कि कैल्केरिया आर्स, जो कि और जो भी क्लाइमेटिक पीरियड में हम देते हैं पाल्पिटेशन जब होता है तब। सो दोस्तों, हम ये चाहेंगे कि मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं अच्छा सा प्रोत्साहन दीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो ले जाऊँ और नए नए होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में बताऊँ और कुछ टिप्स के बारे में बताऊँ जो कि सबके लिए उपयोगी है। तो आप इसे देखते रहिए और एंजॉय करिए आज का 15 अगस्त, और खूब ढेर सारी बधाइयों के साथ और अच्छी मिठाइयों के साथ। धन्यवाद।